your sorrow will turn into joy. My precious, precious friend. मेरे अति प्रियवर मित्रगण. You know, Jesus cares for you. मालूम यीशु आपकी चिंता करता है. When the disciples were put in the boat to go to the other side by Jesus. जब यीशु ने चेलों से कहा कि वे नाव में बैठकर दूसरे पार जाएं. The storms came. तो वहां तूफान आया. The boat was circling in the center of the sea. समंदर के बीच में नाव चक्कर खा रही थी. The disciples, when they were in the middle of the storm, would have thought, "We are all alone." और जब चेले उस तूफान में फंसे हुए थे, उन्हें सोचा होगा, हम तो अकेले हैं. Jesus is not with us. यीशु हमारे साथ नहीं है. He is not here to help us. वो हमारी सहायता करने के लिए यहाँ नहीं है. We are finished. हम तो बस अब नाश होने वाले हैं. But did Jesus forget them? पर क्या यीशु ने उन्हें भुला दिया? No. नहीं. He walked on the waters. वो पानी पर चलता हुआ आया. He came near to them. वो उनके पास आया. And when he got into the boat, there was total peace. और जब वो नाव में पहुंचा, तो वहां शांति छा गई. It'll happen to you. आपके साथ भी ऐसा ही होगा. He has not forgotten you. उसने आपको कदापि भी नहीं भुलाया है. He allows you to go through these circumstances. वो इन परिस्थितियों से आपको होकर के गुजरने देता है. So that he can test your heart. ताकि वह आपके हृदय को जांचने पाए. He is always in control and he can save you anytime. वो हमेशा नियंत्रण में है और कभी भी वो आपको बचा सकता है. But then he says, For a little while you will not see me, but you will see me again. पर फिर वो कहता है, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे ना देखोगे और उसके बाद फिर देखोगे. And when you see me, your sorrow will turn into joy. और जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा. He waits as he waited in the case of Lazarus for 4 days. वो इंतजार करता है जैसे लाजर के समय उसने 4 दिन इंतजार किया. Lazarus was dead and gone. लाजर तो मर करके बस जा चुका था. But Jesus came to test the heart of Mary, to test the heart of Martha. परंतु यीशु आए कि वो मरियम के हृदय को जांचे, कि वो मार्था के हृदय को जांचने पाए. And Martha said, Lord, even now, whatever you ask the Father, He will grant you. और मार्था ने कहा, प्रभु जी, अब भी तू जो भी पिता से मांगेगा वो उसे तेरे लिए निश्चय करेगा. Jesus saw her faith and raised her brother. प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उसके भाई लाजर को मृतकों में से जिला दिया. My friend, he will come. मेरे मित्रों, वो आएगा. Jesus will not allow you to sink in the middle of the sea. प्रभु यीशु मसीह आपको समंदर के बीच में डूबने न देगा. But wait for him. लेकिन आप उसका इंतजार करें. Wait for him. आप उसका इंतजार करते रहें. Those who wait on the Lord shall rise up with wings as eagles and shall renew their strength. यहोवा की बाट जोहने वाले उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे अपनी ताकत को फिर से नया करते जाएंगे. He says, "You will see me again." वो कहता है, तुम मुझे फिर से देखोगे. And when you see me, your sorrow shall turn into joy. और जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा. Renewed strength. बिल्कुल नई ताकत के साथ. With fullness of joy. आनंद की भरपूरी के साथ. You shall go forward in your boat to touch the other shore. तुम अपनी नाव में आगे बढ़ोगे कि दूसरे तट को छू पाओ. Jesus will make it happen. यीशु आपके लिए ऐसा संभव करेगा. Wait for him. आप उसका इंतजार करें. I want to talk to you from John chapter 14 and verse 15. मैं यूहन्ना 14 वचन 15 से आपसे बात करना चाहता हूं. Here he says, If you love me, you will obey what I command. And verse 16, And I will ask the Father, and he will give you another counselor.
to be with you. यहाँ पर वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, फिर वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Jesus says, love me. यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, trust me with your love. अपने प्रेम के साथ तुम मुझ पर भरोसा रखो। In John chapter 21, योहन्ना 21 में, during the last moments of his tenure on the earth, in the form of a human being, एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन के अंतिम समयों में, Jesus looked at Simon Peter. यीशु ने शमौन पत्रस को देखा। And he said, Simon. और उसने कहा, शमौन, Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? Do you love me more than these? क्या तू इन सब से बढ़कर के मुझसे प्रेम रखता है? He said, Yes, Lord. उसने कहा, हाँ प्रभु। But he asked him again. पर उसने उसे फिर से पूछा। He asked him again. और उसे एक बार और पूछा। Do you love me, Peter? पतरस, क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है? Peter, I only need your love. पतरस, मुझे बस तेरा वो प्रेम चाहिए। I don't need anything else from you. मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। When I was 18 years old, जब मैं केवल 18 वर्ष का था, the Holy Spirit spoke to me on the 20th November 1980. तो पवित्र आत्मा ने 20 नवंबर 1980 में मुझसे बातचीत की। And he said, my son Paul, और उसने कहा, मेरे बेटे पॉल, you had many, many friends in this world. इस संसार में तुम्हारे अनेक मित्र थे। But now I am going to be your only friend. लेकिन अब से मैं एकमात्र तुम्हारा मित्र रहूंगा। I am going to come into you. मैं तुम्हारे अंदर आने वाला हूँ। I am going to fill you. मैं तुझे अपने आप से भरूंगा। I'm going to empower you. मैं तुम्हें सामर्थ देने वाला हूँ। And I'm going to walk with you. और मैं तुम्हारे साथ साथ चलने वाला हूँ। Would you take me as your friend? क्या तुम मुझे एक मित्र के रूप में स्वीकारोगे? According to Proverbs 17:17. नीति वचन 17 के अनुसार, The Bible says, बाइबल कहती है, A friend loves at all times. एक मित्र तो हमेशा प्रेम करने वाला होता है, प्रेम करता है। He says, I love you. वो कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। But you, my son, you, my daughter, do you love me? पर हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Do you believe in my love? क्या तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास है? Do you believe that in the midst of the storm, I will come to you, I will not forsake you? क्या तुम्हें विश्वास है कि उस भयंकर तूफान में आकर तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें न भूलूंगा? As you believe in my love, जब तुम मेरे इस प्रेम पर विश्वास करोगे, I will give you the comforter to be with you always. तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए सहायक दूंगा। He is the Holy Spirit. और वह है पवित्र आत्मा। Every time you go through tribulation, हर बार जब तुम सताव से होकर गुजरोगे, every time you go through the process of worrying over the things that you have to do in this world, जब भी तुम इस संसार में चिंताओं की बातों से होकर के गुजरोगे, every time you go through the storms of this life, हर बार जब तुम इस जीवन के झंझावातों से होकर के गुजरोगे, he will comfort you. वो तुम्हें ढाढ़स देगा। In Psalm 94 and verse 18, भजन 94 और वचन 18 में, the psalmist says, भजनकार कहता है, When my foot is slipping, your mercies hold me up, Lord. जब मेरे पांव जो है फिसलने लगते हैं, हे प्रभु, तेरी करुणा मुझे थामे रखती है। And when sorrows fill my heart, और जब वेदना मेरे हृदय में भरती है, your comforts, तो तेरी ढाड़स, fill my heart, और तेरी सांत्वना जो है मेरे हृदय को भर देती है। My precious friend, मेरे प्रिय प्रिय मित्रों, you will have a comforter to comfort you at all times. आपके पास एक शांति दाता होगा
जो हमेशा आपको शांति दे। And when this comforter comes and fills your heart with the divine comfort of the Lord, और जब यह शांति दाता आकर के आपको ईश्वरी शांति से भरता है, you can walk through any storm. आप किसी भी झंझावात से गुजर सकते हैं। You can fulfill every obligation in your life and for your family with absolute confidence, with great success. Company, whatever you do. तो आप जो भी करेंगे हर एक बातों में आप अपने और अपने परिवार के लिए उन कार्यों को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। And not only that, you will be a comfort to others in your office, in your working place, in your businesses, in society too. और इतना ही नहीं, तुम अपने समाज, अपने कार्य के स्थान पर, अपने ऑफिस में हर एक के लिए एक ढाढ़स का कारण होगे। People would say, when my father, brother Dinakaran, would rise up and walk into the platform for him to preach to the hundreds of thousands of people who would be waiting for him. जब हजारों लोग जो हैं इस बात के इंतजार में रहते कि मेरे पिताजी जो हैं प्रचार करें, तो जब कभी भी वो उठते और जब वो मंच की ओर बढ़ते थे, तो लोगों का जो कहना था कि वो जो है उस समय इस बात They would say even before he would begin to utter a word. कि एक शब्द भी कहने के पहले ही a comforting presence would fill the hearts of the people. एक अद्भुत शांति देने वाली उपस्थिति वहां आकर के लोगों के हृदयों को शांत कर देती थी। It's because of his great love for the Lord. ये तो प्रभु के लिए उनके उस महान प्रेम के कारण होता था। Trusting him. जब उस पर विश्वास करते थे। Trusting in his love for him. अपने लिए उसके प्रेम पर विश्वास करते थे। And that's what endeared my father to be with the Lord and the Lord to be with him always. Isi karan se wo parmeshwar ke saath chal sake aur parmeshwar unke saath chal saka. And that brought the comforting presence of Christ through his very being. Aur unki upasthiti se hi yahi karan tha ki parmeshwar ki shanti wahan par aati thi. You can have this comfort. Aap bhi is shanti ko praapt kar sakte hain. God's comfort overflowing in your spirit always. परमेश्वर की शांति जो हमेशा आपके आत्मा में बहती रहे। God's comfort overflowing through you to others. परमेश्वर की शांति जो आपके द्वारा औरों के जीवन में बहती चली जाए। And you being more than a conqueror through that comfort which rises up within you in all your endeavors. और उस शांति के द्वारा जो है अपने हर एक प्रयत्नों में आप जो है जैवन से भी बढ़ करके आगे बढ़ते चले जाएं। And overcoming every storm and having peace in the midst of the sea. और समंदर के बीच में भी शांति को प्राप्त करते हुए आप जीवन के हर एक तूफानों में जैवंत होते चले जाएं। The sea of life. जो जीवन का समंदर है। Jesus says, Do you love me? यीशु पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Do you trust me? मुझ पर भरोसा करते हो? This day we will tell him, Lord, I love you. I trust in your love. आज के दिन हम उससे कहेंगे, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप पर भरोसा रखता हूँ। And you will walk through the storm and touch the other shore. और आप उस झंझावात से निकल करके दूसरे तट पहुँच जाएंगे। He will walk to you and quench the storms of life. वह आपके पास चलता हुआ आएगा और जीवन के तूफानों को शांत करेगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय कदापि भी व्याकुल ना हो। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। And again he says in John chapter 14 and verse 12. उसके बाद फिर से यूहन्ना 14 और उसके वचन 12 में वह कहता है, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो सब करेगा जो मैं करता हूं. He will do even greater things than these because I am going to the Father. वरन वो मुझसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं. Faith in me. मुझ पर विश्वास. Faith in me. मुझ पर विश्वास.
One side is love. एक तरफ है प्रेम. Trusting in the love that Jesus has and loving him for that. जो प्रेम यीशु हमसे रखता है उस पर भरोसा करते हुए उससे प्रेम करते जाना. On the other side, faith in him. और दूसरी ओर उस पर विश्वास करना. Knowing that he has planned everything for us. ये जानते हुए कि उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से नियोजित कर रखा है. He will never leave us. वो हमें कभी भी ना छोड़ेगा. And everything will happen in our lives according to his plan. और हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब उसकी योजना के अनुसार होगा. Faith in knowing that the Lord will perfect everything concerning us. इस बात का विश्वास कि परमेश्वर जो कुछ हमारे बारे में निहित है उन सब को पूरा करेगा. The Lord says, when you have this faith that I will perfect everything for you, you will do the great works that I am doing in this world, and you will do greater works than I have done when I was in this world. प्रभु कहता है जब तुम ये विश्वास करोगे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा तो तुम न केवल वो करोगे जो मैं कर रहा हूँ वरन मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे. You will have miracles and you will do miracles in the name of the Lord. तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कारों को पाओगे और प्रभु के नाम से तुम स्वयं चमत्कार करोगे. And this is what God wants to do for you. और यही है जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है. Everything that you do will be a sign and a wonder. हर एक चीज जो आप करें, हर एक काम जो आप करोगे वो एक चिन्ह और चमत्कार होगा. When I received the Lord Jesus Christ into my life. जब मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया. At that point of time, I was a failure in my studies, in my education. तो उस समय मैं अपनी पढ़ाई में, अपने पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से असफल था. But my only trust was Colossians 2:3, which says, "In Him, in Jesus, there is treasures of wisdom and knowledge." लेकिन मेरा एकमात्र विश्वास जो था कुलुसी 2:3 में था, जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही सारे बुद्धि और ज्ञान के खजाने हैं. I just said, Lord, even now, as you are my friend, you will help me to have your wisdom and you will make me get through my exams. तो मैंने कहा प्रभु जी अब जब आप मेरे मित्र हैं तो आप जो हैं मुझे बुद्धि ज्ञान देंगे और मेरी परीक्षाओं में मुझे आप सफल कराएंगे. He enabled me to study, understand everything and do well and receive exceptionally good grades. और उसने मेरी सहायता की पढ़ाई करने में, हर एक बातों को समझने में और साथ ही उत्कृष्ट अंकों के साथ सफलता को पाने में. And in the same college, when I graduated with honors and had a gold medal given to me. और उसी कॉलेज में जब मैंने अपनी पढ़ाई उपाधि को पूरी की तो मुझे जो था आदर के साथ एक गोल्ड मेडल मिला. Believing in his love. And believing that he had a plan for my life, a future and a hope for me, brought me this great miracle. उसके प्रेम पर जो विश्वास, ये विश्वास कि उसने मेरे लिए एक भविष्य को रखा है, एक योजना को रखी है, और वो उसको मेरे लिए पूरा करेगा, इसके कारण से ही ये सब कुछ मेरे जीवन में संभव हुआ. It'll happen to you too. मेरे प्रिय मित्रों, ये आपके जीवन में भी पूरा होगा. God has a plan for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना रखी है. Just believe in his plan and pray that that plan will be fulfilled each day of your life. बस विश्वास करें उसकी योजना पर और प्रार्थना करें कि उसकी जो योजना है वो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन पूरी होती चली जाए. And finally, और आखिर में, if you read John 14:21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him
and show myself to him. और जैसा कि यूहन्ना 14 वचन 21 में लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। My friend, मेरे प्रिय मित्रों, when you love the Lord, he will show you the plans that he has for you. जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वो आपको उन योजनाओं को जो उसने आपके लिए रखी हैं निश्चय दिखाएगा। As you believe it, जब आप उन योजनाओं पर विश्वास करेंगे and do what he says, और जैसा वो कहता है वैसा ही करेंगे, he will be with you and do miracles through you and for you. तो वो आपके साथ होगा और आपके लिए और आपके द्वारा चमत्कार करेगा। Where you say you can never pass your exams, God will enable you to pass. जहां आप कहेंगे कि मैं इस परीक्षा में कभी सफल नहीं होऊंगा, वह आपको सफलता देगा। When you say my family life is broken, He will build you up again and make you enjoy your family life. जब आप कहेंगे, ओ मेरा पारिवारिक जीवन तो टूटा हुआ है, वो उसे फिर से स्थापित करेगा और आपको पारिवारिक आनंद देगा। And more than everything, और सबसे बढ़कर के, He will show Himself to you. वो स्वयं अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे। Mary was crying by the tomb of Jesus, thinking she has lost him. मरियम जो थी ये सोच कर कि उसने यीशु को खो दिया, यीशु के कब्र के पास रो रही थी। She cried, saying, "Even the body of Jesus is not there, not even the dead body of Jesus." वो ये सोच करके रो रही थी कि यीशु का जो शरीर है उसकी मृत देह जो है वो भी वहां पर नहीं है। But Jesus appeared to her as the risen Lord. लेकिन यीशु मरियम के सामने पुनरुत्थित प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। Because of a love for him. अपने प्रति उसके उस प्रेम के कारण से। And the faith in his word that he would rise again. और जो विश्वास उसके वचन में था कि वो फिर से जी उठेगा। Jesus appeared to her as the risen Lord. प्रभु यीशु उसके सामने पुनरुत्थित प्रभु के रूप में प्रकट हुए। She had Jesus back after the short while when she could not see him. थोड़ी देर के बाद जब वो यीशु को न देख पा रही थी, उसने फिर से यीशु को देखा। She had a miracle. उसने अपने जीवन में एक चमत्कार को पाया। You will have a miracle. आप भी एक चमत्कार को प्राप्त करेंगे। You will have Jesus back. आप वापस यीशु को पाएंगे। You will have the Comforter, the Holy Spirit. आप उस शांति देने वाले पवित्र आत्मा सहायक को पाएंगे। May God bless you with these blessings from heaven from this moment. इसी घड़ी से परमेश्वर आपको स्वर्ग से इन आशीषों से आशीषित करें। Father, पिताजी, whatever thy children have lost until this moment, give it back to them, Lord. जो कुछ भी आपके संतानों ने इस घड़ी तक अपने जीवन में खोया है, आप उन्हें वापस लौटा। Appear to your son, your daughter. अपने बेटे, अपनी बेटी को प्रभु जी आप अपना दर्शन दें। And walk with thy son, walk with thy daughter. अपने बेटे के साथ चले, अपनी बेटी के साथ साथ चले। Show them what they have to do each day. प्रतिदिन उन्हें दिखाएं कि उन्हें उस दिन क्या कुछ करना है। Show them your plans. अपनी योजनाओं को आप उनके लिए प्रकट करिए। And as they do it, Lord. और जब वो उसको अमल में लाते हैं प्रभु। Let miracles happen in their lives. होने दें उनके जीवनों में चमत्कार होने लगे। Do miracles, Lord. प्रभु जी आप चमत्कारों को उनके जीवन में करें। Thank you for doing it from this moment. इसी घड़ी से ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Let them see miracles. वे आपके चमत्कारों को देखने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन।